हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू जज लाइन एंड लेंथ ऑफ द बॉल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक बार आपने क्रिकेट में लाइन और लेंथ जज करना सीख लिया, फिर आप वर्ल्ड के बेस्ट से भी बेस्ट बॉलर को आसानी से खेल लोगे। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या कोई ड्रिल है लाइन और लेंथ जज करने के लिए, तो मैं बोलूँगा हाँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बहुत ही मज़ेदार टिप शेयर करूँगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू कर दें। तो लाइन और लेंथ जज करने के लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिल तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए। तो इस ड्रिल को करने के लिए आपको स्टम्प्स चाहिए, और इस स्टम्प्स को आपको ग्राउंड पे रख देना है। और रखते समय आपको ध्यान देना है कि दोनों स्टम्प्स के बीच गैप जो है वो इक्वल डिस्टेंस का गैप होना चाहिए। तो ये जो मेरा पहला स्टम्प है, मैं इसको मेरे इस विकेट से क्लोज रख दूंगा, यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से। ये मैंने पहला स्टम्प रख दिया। अब मैं अपना दूसरा जो ये स्टम्प है इस विकेट से थोड़ी दूरी पे रख दूंगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे ग्राउंड पे स्टंप क्यों रखा है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो बैटिंग करते वक्त अगर बॉल इस पहले वाले स्टंप्स के अंदर गिरी, तो समझ जाना कि वो बॉल फुल लेंथ बॉल है। और अब मैंने लेंथ तो जज कर ली, अब मैं बॉल की लेंथ के हिसाब से अपना बॉडी वेट एडजस्ट कर लूँगा, और फुल लेंथ वाली बॉल के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा ड्राइव खेल सकता हूँ। और इसके बाद अगर बॉल इन दोनों स्टंप्स के बीच गिरी, तो फिर आपको समझ जाना है कि वो बॉल गुड लेंथ पे गिरी है। अब गुड लेंथ पे अगर बॉल गिरी है, तो मैं अपना बॉडी वेट आगे की तरफ रखूँगा, और गुड लेंथ वाली बॉल के लिए मैं स्क्वायर कट भी खेल सकता हूँ, और मैं पुल शॉट भी खेल सकता हूँ। तो ऐसे गुड लेंथ वाली बॉल के लिए और भी बहुत सारे शॉट्स हैं जो आप खेल सकते हो। तो अब मुझे ध्यान देना है इस वाले स्टंप पे। अगर बॉल इस स्टंप के पीछे गिरी, तो मुझे समझ जाना है कि ये बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल के लिए मैं अपना बॉडी वेट बैकफुट पे रखूँगा। बैकफुट पे इसलिए रखूँगा क्योंकि मुझे पता है शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली बॉल मेरे कानों के पास से जाती हुई सीटी मारती हुई जाएगी, बहुत ही फास्ट बॉल होगी ये। और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल के लिए मैं हुक शॉट मार सकता हूँ, और शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली बॉल के लिए मैं अपर कट भी मार सकता हूँ। तो ये ड्रिल करने के लिए आपको स्टंप ही यूज़ करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आप स्टंप की जगह लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टंप यूज़ करोगे तो बॉल स्टंप पे भी लग सकती है। लाइन ड्रॉ कर लो स्टंप की जगह पे, वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है प्रैक्टिस करने का। तो हमारी सेकेंड टिप है वॉच द बॉल। अब बैटिंग करते वक्त आपका फोकस जो है वो बॉल पे होना चाहिए। तो ये जितना बोलने में आसान है उतना है नहीं, पर आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताता हूँ। तो आपको सोचना क्या है, आपको ऐसा सोचना है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पूरा अंधेरा है, और उस अंधेरी जगह में आपके हाथों में टॉर्च है। अब उस टॉर्च की लाइट की वजह से मैं जो सामने बॉल रखी है वो आसानी से देख सकता हूँ। अब मेरा फोकस भी एकदम बॉल पे है, क्योंकि वैसे भी आसपास अंधेरा है तो मैं और कुछ भी नहीं दे सकता। तो इसी ट्रिक को आपको मैच में अप्लाई करना है। तो अब आपको ऐसा सोचना है अपने मन में कि ग्राउंड में अभी पूरा अंधेरा है, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ग्राउंड में, और मेरी ये जो आँखें हैं वो टॉर्च है। अब मुझे इस टॉर्च की वजह से मुझे वो बॉल दिख रही है। तो इस ऐसा सोचने से मेरा फोकस भी बॉल पे बना रहेगा, और मैं लाइन और लेंथ भी काफ़ी इजीली जज कर लूँगा। तो हमारी थर्ड टिप है योर हेड एंड शोल्डर मस्ट बी स्ट्रेट वाइल बैटिंग। तो आपका बैटिंग करते वक्त ये जो हेड है और वो जो शोल्डर है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए बैटिंग करते वक्त, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है बॉल की लाइन और लेंथ जज करने के लिए। अगर आपका हेड स्ट्रेट नहीं है, गिर रहा है, आपका शोल्डर भी स्ट्रेट नहीं है, ऐसा है, तो आप लाइन और लेंथ कैसे जज कर पाओगे, क्योंकि आपका स्टांस ही गलत है। तो अगर आपको अपना स्टांस इंप्रूव करना है, तो मैंने स्टांस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, यहाँ आई बटन पे उसका लिंक है, उस वीडियो का जाके देखो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा उस वीडियो से। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा। और मुझे ये भी सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो ये हमारा यूज़र नेम, जाके जल्दी जाके फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।